हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे हरे चने का रायता जो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है। आगे इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रायते के लिए एक कटोरी हरे चने, इसके साथ एक हरी मिर्च, इन दोनों को अच्छे से मिक्सी में दरदरा पीस लें। इस टाइप से चने और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार है। मैंने आधा लीटर दही लिया है। तवा गरम होने के बाद उसमें कुछ तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए तब थोड़ा सा जीरा डालेंगे। पेस्ट को तवे पर अच्छे से फैला दें। पेस्ट को अच्छे से फैलाने के बाद एक साइड से अच्छे से भून लें। दूसरी साइड से भूनने के लिए इसे धीरे से पलट दें। दोनों साइड से अच्छे से भून लें और फिर इसे एक कटोरी में निकाल लें। अगर टूट जाए तो भी कोई बात नहीं, और दही में स्वादानुसार नमक और लाल मिर्च डालेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें कटा हुआ एक प्याज डाल देंगे। भुने हुए पेस्ट के टुकड़े करके रायते में मिक्स कर देंगे। तड़के के लिए एक चम्मच ऑयल, गर्म होने के बाद इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन गर्म होने के बाद जीरा और हल्दी। तड़का लगाते टाइम ढक्कन लगाना ज़रूरी है, खुशबू बनी रहेगी। इस टाइप से ये हरे चने का रायता बनकर तैयार है। इसकी प्लेटिंग करेंगे और हरे धनिए की पत्तियाँ लगा देंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।